भाजपा नेता मैत्रेय के पुत्र को अज्ञात सरहंगों ने मारी गोली, ऑपरेशन के बाद हालत खतरे से बाहर। भारतीय जनता पार्टी के नेता कृष्णप्रिय मैत्रेय के 35 वर्षीय पुत्र पंकज मैत्रेय को आज अल सुबह अज्ञात सरहंग लोगों ने गोली मार दी। गोली लगते ही पंकज वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ा। इस घटना के बाद गुड़ चौराहा इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही कुछ ही मिनटों में पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन आरोपी तब तक रफू चक्कर होने में सफल हो गए। हम आपको बता दें कि कृष्णप्रिय मैत्रेय भारतीय जनता पार्टी में दलित समाज के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। इनके पुत्र पंकज मैत्रेय देवतालाब कॉलेज में अतिथि विद्वान के रूप में कई सालों से पदस्थ हैं। घटना के बारे में बताया गया है कि सुबह 3 बजे किसी अज्ञात युवक ने घंटी बजाई। घर में चैनल गेट लगा है और अंदर से पर्दा लगा था। जैसे ही पंकज ने पर्दा हटाया, आरोपी ने 2 फायर किया, लेकिन सौभाग्यवश गोली सीधे कंधे में लगी। गोली लगते ही पंकज गिर गए तथा काफ़ी खून बहा। गोली की आवाज़ सुनते ही पूरे इलाके में सनाका खिंच गया। आरोपी गोली मारने के बाद सीधे पश्चिम दिशा की ओर भाग निकले। पंकज मैत्रेय को सीधे संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उपचार जारी है। चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर पंकज के कंधे से गोली निकालने में सफलता प्राप्त कर ली तथा बताया है कि अब खतरे जैसे कोई बात नहीं है। इस मामले को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि पंकज मैत्रेय बहुत ही सरल स्वभाव का है तथा उसका कहीं किसी से विवादों से दूर दूर तक नाता नहीं था, फिर भी उस पर हमला क्यों किया गया, यह किसी के समझ में नहीं आ रहा। वहीं पंकज मैत्रेय के पिता कृष्णप्रिय मैत्रेय ने कहा कि चूंकि मैं हमेशा बाहर सोता हूँ, हो सकता है हमलावर मुझे मारने के उद्देश्य से आए होंगे, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा बेटा फंस गया। घायल पंकज को देखने उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल भी पहुंचे और उन्होंने पुलिस अफसरों से बात की तथा प्रेस से कहा कि हमलावरों को किसी कीमत में नहीं बख्शा जाएगा। उधर घटना की खबर आग की तरह फैली और संजय गांधी अस्पताल में काफ़ी संख्या में समर्थक पहुंचे, वहीं पुलिस बल भी काफ़ी संख्या में मौजूद रहा। फिलहाल हम आपको बता दें कि पंकज की स्थिति अब पहले से बेहतर है। इस बीच हमने पंकज के पिता कृष्णप्रिय मैत्रेय से बात की तो उन्होंने बताया, एक बड़ा सा धमाका हुआ और उस धमाके पे ही हमारे बच्चे ने चिल्लाना शुरू किया, पापा पापा पापा। तो हम दौड़े, हमने कहा क्या है, बोले हमें लगता है कि किसी ने कुछ मार दिया हमको। तो हमने देखा तो वो खून से लथपथ था। हमारे समझ में एक ही बात आई कि सबसे पहले इसको हॉस्पिटल ले चले। तो हमने अपने परिवार के लोगों को बुला के और पहला काम किया हॉस्पिटल ले आए। हॉस्पिटल में यहाँ उसको एडमिट किया और आदरणीय गहरवार साहब जी के नेतृत्व में उसकी चिकित्सा सुविधा हो रही है। ऑपरेशन थिएटर में अभी है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसको स्वस्थ रखे। और कुछ लोगों ने बताया कि 3-4 के तादाद में चौराहे पे लोग खड़े थे, अब वो आपके घर तरफ गए थे और ये कैमरे पे भी आया है। अब पुलिस जो है वो अपने तरीके से अपना काम कर रही है। तकत में हम सोते हैं, लेकिन कल हम न सो के वो सो गया। तो वो हम चले गए आदरणीय शुक्ला जी के चाची जी का वो था कार्यक्रम, तो हम वहाँ चले गए। वहाँ से आए थक के हम लेट गए, तो हम जहाँ लेटे वहीं लेटे रह गए, वो हमारे जगह लेट गया और ये घटना हो गई। हाँ, पंकज मैत्रेय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कृष्ण मैत्रेय जी के पुत्र हैं और उनकी पत्नी भी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं। रात कुछ सुबह 4 बजे सोते समय कुछ बदमाशों ने गोली मारी है और अभी वो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के लिए ले जाए गए हैं। हम सब ये उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो उनका ऑपरेशन सफल होगा और वो स्वस्थ होकर फिर से हमारे बीच में आएंगे। और जिन बदमाशों ने ये कार्रवाई की है, पुलिस छानबीन कर रही है, उनको खोज रही है और हम उम्मीद करते हैं कि अपराधी भी पकड़े जाएंगे। तो अपराधियों को पकड़ना और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है तो बाकी लोगों के हौसले पस्त होते हैं, तो इसलिए लगातार ये कार्रवाइयाँ पुलिस करे, ऐसी हमारी अपेक्षा भी है। लगातार पुलिस को निर्देश भी देते हैं कि कोई कानून को यदि अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जी, सुबह 3 बजे गुड़ चौराहे के पास श्री मैत्रेय जी जो पूर्व पार्षद हैं अजीबा नगर निगम, उनके बच्चे पंकज मैत्रेय को पीठ में गोली लगने की रिपोर्ट
प्राप्त हुई थी, जिस पर मौके पर पुलिस गई है और वहाँ से मजरू पंकज मैत्रे को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उनके पीठ में गोली लगी हुई है, जिनका इलाज चल रहा है संजय गांधी हॉस्पिटल में। अभी किसने मारा है और क्या वेपन था इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, पुलिस जांच कर रही है और समस्त पार्टियां लगी हुई हैं, आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। घटना के समय पर 3 बजे रात की यह घटना बताई जा रही है।